हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट क्लास का बेटा ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। ये चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट द फैमिली। इस चैप्टर में हमने देखा था यहाँ पे जो बिग फैमिली होती है ना, और स्मॉल फैमिलीज होती हैं, इन सब के बारे में क्या था हमने पढ़ा था। जिन बच्चों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, मैं उनको सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, पेरेंट्स को, कि पहले बच्चों को जो हमारी प्रीवियस क्लास की वीडियो थी जिसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा कि स्मॉल फैमिली क्या होती है, बिग फैमिली क्या होती है, पहले उसको अपने बच्चों को दिखाएं और उसके बाद फिर इस वीडियो को उन्हें दिखाएं, ताकि उन्हें वो पूरी क्या हो जाए, इजी से और इजीली और अच्छे से क्या आ जाए, समझ आ जाए। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अबाउट द फैमिली बोला हुआ है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स को कैसे समझना और करना है अपनी नोटबुक्स में। तो जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पूरा काम साफ साफ नीट एंड क्लीन किया हुआ है बेटा, सेम तरीके से वैसे ही आपको भी क्या करना है, अपनी नोटबुक्स में सारा काम करना है, ठीक है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पे, एम ए टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है, ठीक है ना। तो क्या बोला है आपको, पहला यहाँ पे दिया हुआ है फादर एंड मदर आर नोन एज। मम्मी पापा को हम लोग क्या बोलते हैं, मम्मी पापा को बेटा हम लोग बोलते हैं पेरेंट्स। क्या बोलते हैं उनको, पेरेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो पेरेंट्स है पेरेंट्स के आगे यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, टिक कर देंगे। क्या कर देंगे, पेरेंट्स के आगे यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमने क्या कर दिया, पेरेंट्स के आगे कर दिया टिक। सेकेंड जो क्वेश्चन है, पेरेंट्स एंड देयर टू चिल्ड्रेन मेक अ डैश, ठीक है। जो पेरेंट्स होते हैं और उनके दो बच्चे होते हैं वो क्या बनाते हैं, पहला ऑप्शन दिया है स्मॉल फैमिली, दूसरा ऑप्शन दिया है बिग फैमिली, तीसरा ऑप्शन दिया है ज्वाइंट फैमिली। तो ये बेटा हमने पढ़ा था कि स्मॉल फैमिली में कितने मेंबर होते हैं, स्मॉल फैमिली में एक तो मदर फादर होते हैं और उनके दो बच्चे होते हैं, एक है ना, मैक्सिमम टू बच्चे होते हैं। और अगर हम बात करें टोटल मेंबर्स की, तो चार मेंबर से ज्यादा आपकी स्मॉल फैमिली में नहीं हो सकते। मैक्सिमम कितने होते हैं, फोर मेंबर्स होते हैं किसी भी स्मॉल फैमिली में। तो इसमें हमारे यहाँ पे देखो क्या बोला है, इसमें बोला है हमें यहाँ पे कि पेरेंट्स हैं और उनके दो क्या है बेटा, बच्चे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक स्मॉल फैमिली हो गई। तो ए वाला करेक्ट है, हम क्या करेंगे इसमें ए को क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे ए को हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। तो ए वाला हमने क्या कर दिया, टिक कर दिया। उसके बाद हमें बोला यहाँ पे वी लिव विद आर अंकल्स एंड आंट्स इन डैश। हम लोग अपने अंकल और आंटी के साथ किस में रहते हैं, बिग फैमिली में रहते हैं या स्मॉल फैमिली में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें पूछा है यहाँ पे, पहला क्या है यहाँ पे ज्वाइंट फैमिली, दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पे बिग फैमिली, और अगला क्या है हमारे पास यहाँ पे स्मॉल फैमिली, है ना। तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि हम किसके साथ रहते हैं, अपने अंकल आंटी के साथ। किसके साथ रहते हैं, अंकल आंटी के साथ। अंकल आंटी बेटा किसमें आते हैं, अगर आपके साथ आपके अंकल आंटी रहते हैं तो वो हमारे पास किसमें आएंगे, ज्वाइंट फैमिली में आएंगे। किसमें आएंगे, ज्वाइंट फैमिली में आएंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में आपके साथ क्या रहेंगे, आपके अंकल आंटी भी रहेंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ज्वाइंट फैमिली को टिक करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर बी है, बी में हमें बोला है कि राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो हमें स्टेटमेंट दे रखी है उसमें ट्रू फॉल्स हमें बताना है, ठीक है ना। तो इसमें पहला क्या दिया है यहाँ पे, वी लिव विद आर फ्रेंड्स एंड टीचर्स इन आर फैमिली। इसमें बोला है कि आप अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ रहते हो अपनी फैमिली में। फॉल्स बेटा, बिल्कुल नहीं रहते। इसमें क्या आएगा यहाँ पे, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे मैं एफ लिख रहा हूं, आपको कंप्लीट क्या लिखना है बेटा, यहाँ पे फॉल्स लिखना है, एफ ए एल एस ई, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको दिया सेकंड वाला, यहाँ पे अंकल एंड आंट आर नोन एज आर पेरेंट्स। आपके अंकल और आपकी आंटी आपके माता पिता थोड़ी होते हैं, है ना। आपके माता पिता आपके पेरेंट्स कौन होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं यहाँ पे आपके मदर और फादर। तो ये भी क्या हो गया बेटा, यहाँ पे फॉल्स हो गया, है ना। तो इसके आगे भी आप क्या लिखोगे, एफ लिखोगे। क्या लिखोगे, एफ लिखोगे, फॉल्स, है ना। नेक्स्ट आपको दिया है यहाँ पे अ स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो नोन एज। स्मॉल फैमिली को और क्या कहा जाता है ना। तो स्मॉल फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, है ना। न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं, ये क्या है हमारा यहाँ पे ट्रू है। हमने पढ़ा था चैप्टर में कि स्मॉल फैमिली क्या होती है, न्यूक्लियर फैमिली भी कहलाती है, ये ट्रू है। तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसके आगे हम लिखेंगे बेटा टी। क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमें दिया है उसमें हमें बोला है वी लिव विद आर ग्रैंड पेरेंट्स इन आर ज्वाइंट फैमिली। हम अपने क्या रहते हैं यहाँ पे, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं किसमें,
अपनी ज्वाइंट फैमिली में। तो बेटा ये बिल्कुल ठीक है ना, कि हम लोग जो हमारे हम और हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं अगर एक साथ रहते हैं तो वो कौन सी फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली होती है। कौन सी होती है वो, ज्वाइंट फैमिली होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, इसके आगे हम लिखेंगे ट्रू। क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे यहाँ पे। मैं शॉर्ट में टी लिख रहा हूं, आप पूरा लिखोगे TRUE, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट बोला है अ बिग फैमिली हैज ओनली वन चाइल्ड, फॉल्स है बेटा। बड़ी फैमिली में कितने होते हैं, दो से ज्यादा बच्चे होते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये, कि एक बिग फैमिली में सिर्फ एक ही बच्चा होगा, ये फॉल्स है। क्या ये फॉल्स। अब देखो बेटा आपको क्या करना है, जितना काम आपको मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, पूरा मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, आपको अपनी कॉपी में ये इसी तरीके से बिल्कुल साफ सुथरा क्या करना है, नोट करना है। और उसके बाद मैं सभी पेरेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अपने बच्चों की इस काम को अच्छे से कॉपी में करने में हेल्प करें। और एक बार जब आपका बच्चा इस काम को कर लेता है तो उसकी फोटो क्लिक करके आप हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए, ताकि हमें पता लग सके कि बच्चा उस काम को किस तरीके से कर रहा है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।